काम चल रहा है, सुबह का टाइम हो गया है और मैं उठ चुकी हूँ, तो फटाफट से कर लेते हैं ब्रश रूम लेते तो। ये सो ही रहे हैं अभी तक पतिदेव। गुड मॉर्निंग। देखो पिल्लो के साथ सोते हैं, मेरे को उस खाली ये वाली टांग दे रखी है इसकी, वो वाली वही यूज कर रहे हैं। फ्रेश विश हो गई थी मैं तो, अभी फिलहाल खा लेती हूँ एक बनाना और फिर करती हूँ थोड़ा बहुत कुछ काम और फिर नहाएंगे। तो गाइज मैं आ गई थी किचन में, मैंने इसको धो लिया अच्छे से और उसमें एक चम्मच शुगर और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके इसको मैं रख दूंगी करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ढक के रख दूंगी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके। देखो अच्छे से मिक्स कर दिया, बहुत ज़्यादा हल्दी भी नहीं है और कम भी नहीं है। और अब कट कर लेंगे जो 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 आपको डालना हो पोहे में, जैसे मैं प्याज टमाटर खीरा तीनों चीज़ें डालती हूँ और उसके साथ में जो है गिरी डालती हूँ, तो गिरी वो सब कर लेती हूँ तब तक मैं, तब तक ये वाला प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज खीरा काट दिया है, इसको रखे हुए हो गए ऑलमोस्ट 10 मिनट और यहाँ पे मैं भून रही हूँ गिरी को। आज कम है गिरी वैसे, इतनी तो मित्तू के में वाले में ही डल जाएगी, ये बहुत खाते हैं, इनको ज़्यादा पसंद है। ये देखिए जो शुगर डाली थी बिल्कुल जैसे पहले गीला था ना, धुला था, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल खिला खिला हो गया ये 15 से 20 मिनट में, तो इससे ना आपका जो पोहा है वो खिला खिला बनेगा। और इधर मेरी गिरी भी हो गई, इधर मैंने तेल चढ़ा दिया, तेल में थोड़ा सा घी, मतलब तेल में मैं ही बनाती कुछ भी होगी, देसी घी में ही बनाती हूँ। तो बस अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें। तो गाइस ये आ गया हमारा पोहा और ये आ गया शेक। आजकल ये बिल्कुल भी बनाना शेक नहीं बनाने देते, इन कह रहे मैंगो ही चाहिए है? नहीं आप बनाना बनाया करो मुझे। वाह, खा लेते हैं आपके लिए। और इधर टीवी चल रहा है और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए, नहा दोगे इन्होंने जोत लगा दी। ठीक है जी। तो गाइस टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पति देव मेरे नहा धो के लेटे हैं, उसके बाद देखते हैं दिन भर का आज का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या रहने वाला है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ नहा के, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपना ओपिनियन देके प्राइस भी जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिनका आपको ओनली अपना ओपिनियन देना है, जिसके बारे में जैसे कि क्रिकेट मैच कौन जीतने वाला है, कौन टॉस जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, इस तरीके के आपको 200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। केवल उसका ओपिनियन देके आप प्राइस जीत सकते हो और डायरेक्टली आपको अगर रजिस्टर करते हो तो 365 रुपीज का बोनस भी मिलेगा। 24/7 आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी मिलेगा। 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी इस ऐप को यूज कर रहे हैं। क्रिकेट के अलावा भी 200 प्लस क्वेश्चंस हैं जिनके आप ओपिनियन देके प्राइस जीत सकते हो। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रेतुला, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, इस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देर मत कीजिए, जाके रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो वहां पे जाके आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। तो गाइस ये ले रहे हैं अपनी टैबलेट क्योंकि इनका जी मी चला रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो गाइस नहा लिए थे, रेडी हो गई थी मैं अभी और वहाँ तो जाना नहीं था, फिर बाहर कहाँ जाए, बहुत गर्मी है और आज पता नहीं कल तो परसों तो मुझे टमी में पेन हो रहा था, आज ऐसे वॉमिट हो रही थी। तो अभी मैंने जो है दवाई ली है वॉमिट वाली, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वॉमिट आएगी। मित्तू कह रहे गर्मी की वजह से हो रहा है, तो मैंने ये अपना ये भी लिया है जूस, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, ORSL, ये भी ले रही हूँ, गर्मी ज़्यादा हो रही है, ध्यान रखो सबके सब। और आज लंच बनाएंगे, पानी पीते हूँ मैं, पानी पीते हूँ, और आज ना लीटर पानी भी नहीं पीते हूँ। लंच ये बनाएंगे, इन्होंने बोला आज लंच ये बना के देंगे। तो गाइस लंच का टाइम हो गया है और इनकी थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो मैंने बोला बाहर से मंगवा लेते हैं, तो ये कह रहे ना बाहर से नहीं, तो थोड़ी हेल्प ये करवा रहे हैं, बाकी आपको पता ही अपन परफेक्ट है सब चीजों में। ये मेरे को कह रहे थे कि पिज्जा खिला देता हूँ, मैंने कहा वाह मेरे को बाहर की चीजें खिलाना, बड़े खुश रहते हो। मैंने कहा थोड़ी सब्जी में मैं बना देती हूँ, थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा दो, रोटी भी सेक दूंगी। तो फिर मैं बना रहा हूँ रायता, बढ़िया वाला बूंदी वाला। बस अब फटाफट से लंच रेडी करके और फिर खाएंगे,
फिर आज का क्या है, आज का कुछ है स्पेशल? गाइस एक चीज और बतानी थी आप लोगों ने, पता नहीं इंस्टाग्राम चेक किया नहीं किया, बहुत कॉन्सेप्ट वाली रील बनाने लग गया इंस्टाग्राम पे भी, शॉर्ट्स पे भी, और मतलब बिल्कुल अल्टीमेट वाली जिससे एक घंटा लगता है कि वीडियो को बनाने में, तो जाके चेकआउट जरूर करना और बताना कैसी लग रही है आप लोगों को। और आगे अब जितनी भी आएंगी तो धमाकेदार चीजें आने वाली हैं सब, थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीजें मिलेंगी जिससे मतलब अगर कोई देखे तो कुछ एटलीस्ट कुछ तो हंसी आए, मतलब कुछ तो हो, मतलब फायदा हो, ये बोर ना हो डेली डेली वाले देखते ना। तो अभी थोड़ा चेंज करने की सोच रहे हैं, तो बस उसी में हम लोग बिजी हो रहे हैं अभी दो तीन दिन, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, समझो 8-8 घंटे दिन के निकल जाते हैं पूरे उसी में। हाँ, और बाय द वे मेरा टीका कब लगेगा? टीका लगवा के एक बार फंक्शन हो जाता है, उसके बाद लगवा के लेके आएगा यार। मेरा जो सेकंड टीका वो भी नहीं लगा, टीका भी है, हमारे गाने का शूट भी पेंडिंग है, सारी चीजें फाइनल हो रखी हैं, वजह से ही रुके हुए हैं, सारी चीजें एक बार फंक्शन अच्छे से निमट जाए तो उसके बाद ही हम लोग जो है अपना वो वाले काम की तरफ आगे बढ़े। तो अभी तो वैसे भी एनिवर्सरी आ रही है, फिर फंक्शन आ रहा है, तो अभी 2-4 दिन और इंजॉय लेने के हैं, उसके बाद फिर करेंगे बाकी के काम। तो गाइस देख लो, ये ना मुझे प्रेगनेंसी में भी रुलाते हैं, वैसे तो रुलाएंगे प्रेगनेंसी में भी रुला रहे हैं, इतने ज़्यादा आंसू निकले आज तो मुझे, इतने मोटे मोटे एक्चुअली रुला नहीं रहे, हुआ क्या कि मैं प्याज काट रही थी और आज इतने तेज प्याज थे, पता नहीं क्यों, बिल्कुल मिर्ची थी वो, पता नहीं जो भी था इतना तेज लगाया। अब बेचारे वो खुद ही कर रहे हैं, उधर उधर दिखाओ, खुद ही बढ़िया लग रहा है भाई एकदम। हाँ, जिसने भी ये मजे लेने हो क्या कर लियो, मैं सब तैयार राय दूंगा भाई, ठीक है? मतलब क्या कहना चाहते हो, मतलब जिसने भी ये मजे लेने हो, नहीं कहना क्या चाह रहे हो आप? नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो समझ रही है, एक तो हमारी हेल्प करवा रही थी तुमने, अच्छा वाला बाहर से ऑर्डर कर रहे थे, सब कुछ कर लिए, मुंह भी धो लिए, तब जाके थोड़ा मेरे को रिलैक्स मिला है। तो गाइस खाना बन गया है हमारा, और बहुत ही मस्त सा खाना बना है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा ग्रीन सैलड, आजकल सैलड पे पूरा ध्यान दे रखा है, और रायता बूंदी और प्याज का, बीन्स वगैरह की सब्जी, और फिर उसके बाद देखते हैं स्नैक्स में क्या बना के खिलाओगे। हाँ वो तो मैं वैसे ही बना देता हूँ, मतलब वो बाएं हाथ का खेल है मेरा स्नैक्स वगैरह बनाना, वो मेरे को ना ब्रेड की आइटम स्नैक्स की आइटम बनाने में ना बड़ा मजा आता है, जो ब्रेड तो मेरे को ऐसा लगता है अगर ब्रेड धरती पे ना हो तो मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, ऑक्सीजन के बराबर लगती है मेरे को ब्रेड, और शायद जितने भी मतलब बैचलर होंगे शायद उनको तो और भी ज़्यादा अच्छे से पता होगा। चलो खाना खा, शाम का टाइम हो गया है, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, आराम हो गया था, फिर कुछ वीडियोस बनाई, आप सोच रहे होंगे कितने ड्रेसेस चेंज करते हैं, ये खाली वीडियोस के लिए ही होती है। और अब घर पर आए हुए थे गेस्ट, तो मैंने सोचा चाय बना दूं, ठंडा दिन के टाइम हो तो ठंडा, शाम के टाइम तो अभी इतनी गर्मी नहीं है, तो और कुछ होते ना पक्के वाले चाय लवर, तो ठंडा दो भी तो भी काम नहीं चलता, चाय ही चाहिए तो इसलिए भी यहाँ पे बन रही गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय पिएंगे। तो गाइस ये हमारी चाय रेडी हो गई है, चाय बिस्किट नमकीन देख सकते हैं, मस्त सी एकदम। तो गाइस यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो रहा है, और इधर सैलेड, और ये वाले मैंगो लेके आया था कल मैं, छोटे वाले, इनको बहुत पसंद है, ये मैंगो शेक है, बट ये इनको मैंगो ज़्यादा खाने नहीं दे रहा, बस मैं एक देता हूँ दिन का बस। एक तो मैंने खा भी दिया। अच्छा एक तुम चोरी चुपके ले जाते हो, एक मैं दे देता हूँ, तुम्हारा तो बढ़िया काम चल रहा है तो इसमें इतना तो रस निकलता है। अच्छा इसमें ज्यादा निकलता नहीं है ना इसलिए, और आपको पता है घी खा लिया करो ना, घी रखा है मैंगो खाने के चक्करों में रहते हो। आपको पता है आज क्या हुआ है? सुनीता को आज तीसरा दिन हो गया नहीं आई, और मेरी भी तबीयत खराब की वजह से मैं भी नहीं जा पा रही, और
उधर मम्मी की तबीयत खराब है, मतलब वो कहते हैं ना कि जब बुरी चीज होती है तो एक साथ 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 होती है, वही चीजें हो रही है। उधर मम्मी की तबीयत खराब है, जो कालजी का दर्द उठता वो उठ गया, नहीं थी तो है ही अभी, वैसे तो नॉर्मल जापा हो जावे 21 दिन में, पर वही कि ठीक है यार पीलिए तक तो नहीं करवाते। अब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि मम्मी को ही करना पड़ रहा। मैंने तो मम्मी को बोला था, मैंने कहा मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ आप बता दो, मम्मी बोली ना सब्जी तो बना रखी है, आटा बना रखा है, रोटी रोटी सेकनी है, तो मैं कर लूँगी जैसे तैसे करके। फिर मम्मी कर रही है मैनेज, इधर मैं कर रही हूँ इधर मम्मी कर रही है। डिनर रेडी भी हो गया, मैं तो रायता लूँगी, ये शेक लेंगे, और दिन वाली सब्जी जो बनाई थी मैंने वही है रोटी, और फिर जाएंगे नीचे वॉक करने के लिए। डॉक्टर ने बोला वॉक करनी है, दो टाइम कर सकते हो, एक टाइम जितना कर सकते हो, वैसे तो दोनों टाइम बोला है, बट एक टाइम भी हो पाए तो बाद में खाएंगे ये वाली अम्मी। ठीक है Thank you.